सरकार द्वारा दिती गई 22 जून की मीटिंग जेकर बेसीटा रहिंदियां हन तां 23 जून नूं भारी इकट्ठ नाल मोती महल केरन संबंधी कंपनियां द्वारा दित्तियां जा रही धमकियां नूं जनतक कीता जाएगा अते वक-वक सूबियां वल्लों NSQF अध्यापकां नूं सिक्ख्या विभाग विच लैण संबंधी अहम दस्तावेज सांझे कीते जाणगे। पटियाला तों केशव कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। अज असी तुहानू दसना चाहुंदे आ कि सानू धमकियां भरे कोआर्डीनेटर्स वालों मैसेज आ रहे आ, साडे टीचर्स नू हरास किया जा रहा कि तुसी प्रोटेस्ट दे विच पार्टिसिपेट कर रहे हो। वो सानू लिखती उन्हां दे आ तुहाडे सामने असी लिखती पेश करना चाहुंदे आ कि यह पंजाब दे साडे टीचरां दे उपर कोआर्डीनेटर लगे हुए स्टेट लैवल ते इन्हां वल्लों आ लिखती एक मेल दे थ्रू साडे अध्यापक नू एक धमकी भरिया मैसेज दिता गया। सो ये जिहड़े हालात आ ये बने हुए आ, असी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असी अपने राइट के लिए इत्थे बैठे हैं। वो धमकियों के कह रहे हैं कि तुसी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण दिओ। असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने भविख के लिए, अपने परिवारों के भविख के लिए। साडिया जो साडे हक ने, असी पिछले इन्ने सालों तो पढ़ा रहे हैं, साडे हक ने, साडे राइट्स ने कि सानू तनखाहों में वाधा किया जाए, सानू मेडिकल छुट्टियां दित्तियां जाण, साडे भविख की नीति बनी। सो उन्होंने ये सवाल किया कि तुसी जो प्रोटेस्ट आ क्यों कर रहे हैं। धमकी ये धमकी सानू कोआर्डीनेटर वालों दी गई है जो कंपनियां ने अगे रखे हुए आ, हालांकि वो कंपनी के इंप्लॉई। असी यही सोचते हैं कि सरकार वालों उन्होंने करवाया जा रहा, तो असी इन्हां धमकियों तो डरन वाले नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल असी प्रोटेस्ट अगे जारी रखा, साडा प्रोटेस्ट इन्हां धमकियों के उपर प्रभावित होने वाला नहीं है। हाँ जी, असी तुहानू आ दसना चाहुंदे आ कि पंजाब सरकार अक्सर ही जिहड़े NSQF टीचर आ उन्हां नू ये कहना चाहुंदे आ कि तुसी साडे इंप्लॉई नहीं हैगे, बट इस दे विच तुसी ध्यान नाल देखो, मैं तुहाडे सारे मीडिया दे राही शो करना चाहुंदा कि आ देखोगे इहदे विच सारे दे सारे NSQF अध्यापक दी ड्यूटीज़ लगी हुई आ। NSQF अध्यापक सारे दे सारे NSQF अध्यापक ने। सो जदों ये लैटरां जारी हुंदियां, ये लैटरां दे उपर उपरोक्त दे साइन भी ने, तुसीं इन्हां चीज़ां तो अंदाजा लगा सकते हो कि यह जिहड़े अध्यापक आ इन्हां दीआं ड्यूटियां लगाउण वेले विभाग कहिंदा कि साडे मुलाजम ने, जदों इन्हां नूं बेनीफिट्स देने हुंदे आ तां उदों कहिंदे आ वी इह साडे इंप्लॉई नहीं हैगे। बिल्कुल, असीं तुहानूं इत्थे दसना चाहुंदे हां कि इत्थे हरियाणा स्टेट ते आसाम स्टेट ने एक एग्जाम्पल सैट कीती हैगी आ। असी बिल्कुल भी तत्थां दे आधार दे उपर गल कर रहे हैं, साडे कोल फैक्ट्स ने। आ लैटर आसाम दे विच जारी होया जिस दे विच उन्होंने NSQF अध्यापकों नूं रैगूलर किया अते उन्हां नूं ग्रेड पे उपर लैके आंदा, वोकेशनल टीचर ग्रेड दिता हैगा। यह लैटर आसाम दे विच जारी होया, इस लैटर दे उपर तुसीं डेट भी मैनशन की हुई है, वह देख सकते हो। सो इस तरह का एक लैटर हरियाणा दे विच जारी होया, जिन्हें भी उत्थे कंपनियां सीगियां, साडी मंग आ पंजाब सरकार तो कि कंपनियां स्कूलों के विचों बाहर कढ़ियां जाण। आ हरियाणा ने अपने विभाग विचों सारिया कंपनियां दे टेंडर नूं कैंसल कर दिता, आ तुसीं वेख सकदे हो लैटर। बिल्कुल, सरकारां जे चंगियां होण, सरकारां जे अपने मनसूबियां उपर काम करन वालियां होण तां साढ़े चार साल बीतण तो बाद भी कांग्रेस सरकार दा इन्ना विरोध नहीं होना सी। सो सारे अध्यापक अपने हक्कां लई लड़ रहे आ, असीं भी अपने हक्कां लई लड़ांगे। जो इन्हां ने मीटिंग दा लारा सानूं 18 तरीक दा दित्ता सी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪਿਸ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ नहीं सर एक ला बनया होया सर कोल हैगा जिदे विच वोकेशनल टीचर्स नू मेडिकल लीव हैगी है पर गवर्नमेंट वालों सानू एहो जी कोई सहूलत साडे ते लागू नहीं कीती गई बट साडे कोल उस चीज़ दा लिखती प्रूफ है जी हाँ बिल्कुल लुकोया गया कंपनियां दा साडे उपर सरासर जिहड़ा हैगा शोषण लगातार जारी है जो साडे कानून ने ओह साडे ते बिल्कुल लागू नहीं हुंदे कंपनियां दे कानून साडे ते लागू हुंदे ने तुसीं लोक शक हो इन्ने लंबे समय तों पढ़ा रहे हो कि जगह पंजाब सरकार कहिंदी है कि अज पूरे भारत च नंबर 1 स्कूल पंजाब दे हो चुके ने तुसीं शिक्षक हो तुसीं मानदे हो कि पंजाब दे स्कूल नंबर 1 हो चुके ने अज सरकारी देखो जी स्कूल नंबर 1 हो चुके ने जिहड़े स्कूलां नूं नंबर 1 ते लैके आउण वाले ने ओह कित्थे ने ओह कैप्टन साहब नूं जाके तुसीं मीडिया सवाल करो कि सारा टीचर वर्ग अज दे समें च सड़कां दे उपर क्यों है जे तेरे स्कूल नंबर 1 ने तां तेरे टीचर जो स्कूलां दे विच पढ़ाउंदे ने जो असीं प्रोटेस्ट कर रहे हां असीं कौन आ टीचर्स ना तो फिर स्कूल नंबर 1 आपां किवें मन सकदे मतलब सरकार इमारत नूं नंबर 1 कह रही है शिक्षक नूं नहीं कह मैं नहीं इस चीज़ नूं बिल्कुल स्कूलों नूं बिल्डिंगां नूं सोहना बना दिता गया स्कूलों दीआं बिल्डिंगां नूं रंग कर दिता गया पेंट कर दिता गया उन्हां अंदर होर इंफ्रास्ट्रक्चर लिया के उस नूं स्मार्ट स्कूल का नाम दे के सूबे नूं नंबर 1 बना दिता गया पर टीचर उन्हां दे एजेंडियां उपर नहीं हैगे असी इसलिए अपने प्रोटेस्ट दे उपर बैठे हैगे हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल देखो जी असी अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं 22 तरीक नूं साडी मीटिंग दित्ती हुई है सिक्ख्या मंत्री ते सिक्ख्या सकत्तर नाल सैक्रेटरीएट सो जेकर साडी 22 तरीक की मीटिंग बेसिट्टा निकलती आ असी 23 तरीक नूं इत्थे वड्डा इकट्ठ करके महिला वाल कूच करांगे ये साडी सरकार नूं चेतावनी है अक्सर ही तुहाडे वल्लों सवाल चक्के जांदे ने कि असी करोना दे विचकार भी अपनी ड्यूटियां निभाईआं ने ते इस तरीके दे नाल सरकार उस समय ते करोना वॉरियर कह के सानू सम्मानित कर रही सी सारिआं नूं ते हुण अज जदों नौकरी देण दी गल आई है या तनखाह वधाउण दी गल आई है ते सरकार पिछा हट रही है सरकार दी नीतियां की लगदी है की लगदा कि 2022 दे इलैक्शन तों पहला पहला सरकार कुछ ना कुछ या कोई पोलिटिकल स्टंट कीते या तुहानूं कोई नौकरी देण दे पक्का करन दा करे बिल्कुल सरकार खेडूगी सरकार राजनीति दे उपर टिकी हुई है वोट बैंक दे उपर टिकी है सरकार ने अपना कोई पब्लिकली पोलिटिकल स्टंट खेडना ही हैगा पर मैं तुहानू इत्थे ये दसना चाहुंदा कि जिहड़ियां ड्यूटीज़ तुहानू दसियां गईयां सी ये करोना वॉरियर्स ये साडे टीचर ने NSQF अध्यापक टीचर ने बट करोना वॉरियर्स का कैप्टन साहब वालों ऐलान किया गया सी कि जिन्हें भी करोना वॉरियर्स फ्रंटलाइन वॉरियर होणगे उन्हां नू 50 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस दिता जाऊगा पर साडे अध्यापकों नू एक रुपए तक की कोई सहायता राशि का कोई ऐलान नहीं हैगा साडे अध्यापक नू जदों ड्यूटी करन उपरंत कोई भी जानी माली नुकसान हो जाता उसका जिम्मेवार कौन होगा सानू ये पंजाब सरकार तो जवाब चाहिए राय साहब जिवें कि किसान मोर्चे वालों भी कहा गया जी कल कच्चा मुलाजम जिहड़े हैगे ने लोग हुण उह कह रहे कि इस तरह पिंडां विच पोलिटिकल पार्टियां नूं नहीं आउंदा रहेगा असीं विरोध करांगे तुसीं उस विरोध दा हिस्सा बणोगे जेकर तुहाडे गल नहीं मन्नी जांदी बिल्कुल असी हिस्सा बनांगे क्योंकि असी पंजाब दे मूल निवासी हाँ सानू पता कि जिहड़ियां इह सरकारां इह वोटां उपर टिकियां होईयां ने जदों इह अपनियां वोटां अपने वोट बैंक चमकाउण आउणगे साडे पिंडां विच ही आउणा असी पिंडां दे धीआं पुत्तां साडे घरां मूहरे असी अपने बैनर लावांगे कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा साडे घर वोट मंगण ना आवे असी पूरे पंजाब दे विच सारे जिन्ने भी NSQF अध्यापक हैगे आ होर भी जथेबंदियों के नाल सांझी जथेबंदी बना के इन्हां सारिआं दा विरोध करांगे कालियां झंडियां दिखावांगे ते अपने घरां दे मूहरे बैनर लावांगे कोई भी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा साडे घरे कोई भी दूजी पार्टी का तीजी पार्टी का साडे घरे वोट मंगण ना आवे साडे हक बिल्कुल ये सारे रले हुए ने जी ये सारिया पार्टियां एको जिया ने कोई पार्टी अज तक अध्यापक के हक में नहीं खड़ी किसी भी जगह पर तुम देखो अज इतने अकाली दल आ अकाली दल ने 2016 एक्ट तैयार किया लागू क्यों नहीं किया वह सब ये रले हुए ने आम आदमी पार्टी आ आम आदमी पार्टी ने उत्थे की किया दिल्ली के आम आदमी पार्टी आ दिल्ली आम आदमी पार्टी NSQF अध्यापकों पक्के करे एक मिसाल पैदा करे सो ये सारे रले हुए ने इन दे कोई फर्क नहीं है ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ
देखो हरियाणा दे विच उन्होंने टेंडर कैंसल किया, आसाम दे विच उन्होंने पक्के कर दिए गए आ। जदों सरकार लोकां सरकार दे मनसूबियां उपर लोक होणगे तां लोक उन्हां दियां जो लोकां दी आवाज़ होगी वह सरकार पूरी करेगी। जिहड़ी सरकार दे मनसूबियां उपर लोक एजेंडियां उपर नहीं हैगे वह सरकारां ने इदां ही करना। कोई बीजेपी होवे, कोई कांग्रेस होवे, कोई आम आदमी होवे, कोई होर अकाली दल होवे, कोई भी पार्टी होवे, जदों उन्हां दे मनसूबियां उपर लोक नहीं हैगे उन्होंने इदां ही लोगों नूं उजाड़न दे तौर ते तुरे हुए आ। सरकार नूं साडे वल्लों यही क्वेश्चन आ कि सानू इन चीज़ों के जवाब चाहिए ने। सानू प्रोटेस्ट करन दे विच भी रोकिया जा रहा, साडियां मंगां भी पूरियां नहीं कीतियां जा रही, साडे अधिकार सानू दित्ते नहीं जा रहे, खोए जा रहे आ। सो साडी 22 तरीक की जो मीटिंग आ उस दे विच बेसिट्टा जेकर मीटिंग निकलती आ तो 23 तरीक नूं मोती महल का घराओ करांगे। पूरे पंजाब भर के NSQF अध्यापक इत्थे आउणगे ते वख-वख जथेबंदियां नूं वी सानू पूरा सहयोग मिलेगा।